हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की अपडेट कंटिन्यू मिल सके। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं इन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और जैसा कि हम OSI मॉडल में पढ़े थे कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होती है वो यूज़र इंटरफेस पे वर्क करती है। ठीक है, तो HTTP को जो इंट्रोड्यूस किया गया 1989 में किया गया और इसको जो इंट्रोड्यूस किया वो टीम बर्नर्स-ली ने किया। टीम बर्नर्स-ली ने वेब ब्राउज़र को भी इन्वेंट किया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए, गवर्नमेंट एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। इसके नाम के साथ प्रोटोकॉल लगा है तो आप समझ सकते हैं एक बेसिक आइडिया कि ये कुछ सेट ऑफ रूल्स पे वर्क करती होंगी। ठीक है, तो सपोज दैट कि मैं किसी ब्राउजर पे बैठा हूँ और वहाँ से किसी साइट को मैंने एंटर किया। जैसे मैं यहाँ किसी ब्राउजर पे, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, तो मैंने किसी भी वेबसाइट को सर्च मारा www.youtube.com, तो मेरी जो रिक्वेस्ट थी उस वेब सर्वर को गई जिस वेब सर्वर पे मेरी साइट होस्ट थी। मतलब जिस भी साइट को जिस वेब सर्वर पे होस्ट किया होगा वहाँ आपके रिक्वेस्ट जाएंगी और उसके बाद वेब सर्वर जो है उस पर्टिकुलर साइट का वेब पेज या वेबसाइट को आपके ब्राउजर के ऊपर शो करेगा। ठीक है, तो ये जो सब प्रोसेस हो रही है वो किसके कारण हो रही है? HTTP प्रोटोकॉल के कारण, क्योंकि जो वेब सर्वर के पास जो डाटा है वो डाटा यहाँ ट्रांसफ़र करके आपके ब्राउज़र पे जो दिखा रही है वो HTTP प्रोटोकॉल है। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो डाटा ट्रांसफ़र होता था वेब सर्वर से ब्राउज़र के बीच में वो प्लेन टेक्स्ट में होता था। तो उसको अगर बीच में कोई हैकर या क्रैकर बैठ के आपके डाटा को एक्सेस कर लेता है तो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती थी। यहाँ कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं थी HTTP प्रोटोकॉल में। ठीक है, अब बात करते हैं HTTPS प्रोटोकॉल की हमें ज़रूरत क्यों पड़े। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि जो HTTP प्रोटोकॉल थी वो प्लेन टेक्स्ट में डाटा ट्रांसफ़र करती थी, तो HTTP प्रोटोकॉल जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, तो सिक्योर वर्ड लगने से ये सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अगर अब मैं ब्राउजर से HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू मैं कोई वेबसाइट को सर्च मारता हूँ, ठीक है, HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू मैंने सर्च मारा और उसका जो रिजल्ट आया वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू आया। ठीक है, तो यहाँ जो हैकर्स क्रैकर्स जो बैठे थे अगर इस डाटा को एक्सेस भी कर लेंगे तो उसे रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो डाटा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो HTTPS आपको अपनी साइट पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको SSL सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सिक्योर सर्किट लेयर। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS से सिक्योर हो जाती है। ठीक है, बट HTTP जो है वो बिल्कुल फ्री है, बट HTTPS जो फैसिलिटी है इसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जो बैंकिंग वेबसाइट है और कोई शॉपिंग वेबसाइट है जहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ आपको HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जो नॉर्मल ब्लॉग है, जैसे आप नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, जैसे आप कुछ सर्च मार रहे हो किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ आप HTTPS प्रोटोकॉल ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप नॉर्मल रीड कर रहे हो, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ लीक होने का चांस नहीं है। अगर वो उस डाटा को हैक करके पढ़ भी लेता है तो क्या हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा। बट आप जब पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं एंटर कर रहे हो, अगर ऐसी कंडीशन में किसी हैकर या क्रैकर ने आपके डाटा को एक्सेस कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो HTTP प्रोटोकॉल जो है हमारी पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करती है और HTTPS प्रोटोकॉल जो है वो 443 पे वर्क करती है। ठीक है, तो जब भी आप किसी साइट को क्रिएट करते हैं, जैसे मैं किसी वेबसाइट को क्रिएट करूँगा तो मुझे आप पोर्ट नंबर भी डिफाइन करना होता है। तो अगर मैंने 80 पोर्ट डिफाइन कर दिया तो मेरी जो वेबसाइट एक्सेस होंगी वो HTTP के थ्रू होगी
अगर मैंने पोर्ट नंबर 443 डिफाइन कर दिया तो मेरी जो वेबसाइट एक्सेस होंगी HTTPS के थ्रू होगी, ठीक है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो HTTP और HTTPS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और आपसे पोर्ट नंबर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल एक ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में एक मीडियम का काम करती है। वेब ब्राउज़र वेब सर्वर से डाटा लाके हमारे ब्राउज़र पे शो करती है, ठीक है। मतलब एक जगह का डाटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। और HTTP का यूज़ हम हाइपरलिंक बनाने में भी यूज़ करते हैं। जैसे मेरा ये पेज है, मैं किसी वेबसाइट का यहाँ लिंक दे दूँगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर आपने SSL सर्टिफिकेशन लिया है और आपकी साइट पे HTTPS की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपकी साइट जो है रैंक ज़्यादा करेगी कंपेयर टू HTTP प्रोटोकॉल, क्योंकि जिस भी साइट में HTTPS प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है उनको सर्च बार में पहले लाया जाता है और HTTP जो प्रोटोकॉल है उनको बाद में लाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में जाना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।